हेलो फ्रेंड्स, इंडियंस आर फेमस फॉर इट्स डस्की ब्यूटीज। अक्सर हम में से कुछ लोग अपने सांवले रंग की वजह से इस बात के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें किस कलर्स के कपड़े पहनने चाहिए या कौन से कलर उन्हें ज़्यादा स्टाइलिश दिखा सकते हैं, ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन सब कलर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडियन स्किन पर बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, सांवले रंग को बहुत खूबसूरत दिखाते हैं और उन्हें और भी निखारते हैं। मैं हूं मनीषा अग्रवाल, स्टाइल कंसल्टेंट, एंड आप देख रहे हैं मुकलावा फैशन एंड लाइफस्टाइल। इसके पहले मैंने अपने वीडियो में प्लस साइज को कैसे कपड़े पहनने चाहिए जो उन पर स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकें, इसके बारे में बातचीत की थी। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। कहने को तो कई रंग है जमाने में, बट सांवले रंग का कहर कुछ अलग ही ढाता है। डस्की स्किन टोन इज अ ब्यूटीफुल शेड दैट लॉट ऑफ अस देसी गर्ल्स आर ब्लेस्ड विथ। सांवला रंग या दबा हुआ रंग कुदरत का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जिसका सांवले रंग की लड़कियों को एहसास तक नहीं होता। वेल, स्किन टोन मैटर नहीं करता, मैटर यह करता है कि आपने अपना ड्रेसअप किस कलर टोन पर किया है। आप यदि सांवले रंग के हैं, आपका स्किन टोन कुछ डार्क है, इंडियन स्किन टोन है, तो भी आप यदि सारे कलर्स आप पहन सकते हैं, बशर्ते कि उन कलर्स के परफेक्ट शेड्स आपने सेलेक्ट किए हों। अक्सर हम यह स्पेसिफिक हो जाते हैं कि शायद कुछ कलर्स हमें पहनने चाहिए और कुछ कलर्स नहीं पहनने चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि हर कलर हम डस्की स्किन टोन वाले लोग पहन सकते हैं। केवल उसका कलर टोन इम्पॉर्टेंट है, उसका शेड, परफेक्ट शेड इम्पॉर्टेंट है जो हमें अपने ड्रेसिंग में ध्यान रखना चाहिए। सो इट्स क्लियर कि डस्की स्किन टोन वाले लोग, सांवले रंग वाले लोग भी सारे कलर्स पहन सकते हैं, बट हमें उसका कलर टोन और शेड्स बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं, हम उन सारे कलर शेड्स के बारे में आज बात करेंगे जो कि डस्की स्किन टोन की खूबसूरती पर चार चांद लगा देंगे। तो सबसे पहला कलर है आइवरी एंड बेज। बेज यानी कि गोल्डन का लाइटर वर्जन। यह एक ऐसा एवरग्रीन कलर है जो कि हर स्किन टोन पर सूट करता है और स्पेशली डार्क कॉम्प्लेक्शन को तो यह बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है। यह एक सेफ, सोबर, सिंपल एंड मोस्ट रिकमेंडेड शेड है जो कि डार्क स्किन टोन के ग्रेस को और भी एनहांस कर देता है। सो फ्रेंड्स, डू ट्राई टू पिक आइवरी कलर्स ओवर अदर कलर्स नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। एंड स्पेशली यदि आप वेस्टर्न आउटफिट के लिए इस कलर को सेलेक्ट करते हैं, आई एम वेरी मच श्योर यू विल थैंक मी लेटर। सेकेंड ऑप्शन इज डार्क कलर्स। यदि आपको डार्क कलर्स का शौक है और आपका कलर सांवला है, तब भी आप कुछ डार्क कलर्स बिंदास पहन सकते हैं, लाइक मरून, मेजेंटा, मॉव, बरगंडी, प्लम, बेरी। ये सारे शेड्स ऐसे हैं जो कि डार्क कॉम्प्लेक्शन पर बहुत सूट करते हैं। मेजेंटा प्लम कलर तो न केवल आउटफिट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है, बल्कि डस्की स्किन टोन पर लिपस्टिक में भी यह कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है। साड़ी हो, सूट हो या कोई इवनिंग गाउन हो, किसी भी तरह का इंडियन एथनिक वेयर में आप इन कलर्स को कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। गोल्ड ज्वेलरी भी इनके साथ काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करती है। मरून, मेजेंटा, बरगंडी, बेरी, ये सारे डार्क कलर्स हमेशा स्टनिंग लुक ही क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज मस्टर्ड येलो। एक पॉपुलर मिथ है कि येलो कलर सांवले लोगों पर सूट नहीं करता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। येलो का प्रॉपर मस्टर्ड टोन एक ऐसा टोन है जो कि न केवल सांवले रंग की ब्यूटी में एक चार्म ऐड कर देता है, बल्कि वह इंडियन स्किन में एक ग्लो भी ऐड कर देता है, फिर चाहे उन्होंने इंडियन वेयर क्या हो या फिर वेस्टर्न। हाँ, बट आपको याद रखना है कि आपको नियॉन या फिर एकदम ब्राइट येलो कलर्स नहीं सेलेक्ट करने हैं, आपको मस्टर्ड येलो में ही जाना है। और यही कलर एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका फोटोजेनिक भी होता है। इस कलर्स में मैं आपको एक टॉप सीक्रेट की बात बताती हूँ, इस कलर में आपकी पिक्स भी बहुत अच्छी आएंगी क्योंकि यह एक ग्लो ऐड कर देता है आपके फेस पर, आपके कलर टोन पर एक ग्लो ऐड करके देता है। डैट मीन्स मस्टर्ड येलो वर्क्स वंडर फॉर द डस्की स्किन। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑफ वाइट कलर या फिर एनी पेस्टल शेड्स। वाइट की जगह ऑफ वाइट कलर डस्की स्किन टोन के लिए परफेक्ट होते हैं। आप कोई भी पेस्टल कलर ले या फिर ऑफ वाइट कलर ले, ऐसी एक स्मार्ट सी ड्रेस परचेस करके आप अपने आप को खूबसूरती का एक तोहफा दे सकते हैं। डस्की स्किन टोन के लिए ऑफ वाइट कलर या फिर कोई भी पेस्टल टोन बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लैक। ब्लैक की तो बात ही क्या है, सचमुच ब्लैक एक ऐसा कलर है जो हर स्किन टोन पर, हर ओकेशन में बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही गॉर्जियस लगता है।
स्पेशली नाइट पार्टीज या लेट पार्टीज के लिए इट इज़ द परफेक्ट ऑप्शन टू डिच एनी ब्राइट कलर। ऑल डस्टी ब्यूटीज भी अपने वार्डरोब में बिंदास ब्लैक कलर को, स्पेशली जेट ब्लैक कलर को ऐड कर सकते हैं। और ब्लैक ड्रेस के लिए आपको एसेसरीज का भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, मार्केट में ब्लैक ड्रेस की एसेसरीज भी इजीली मिल जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज लेवेंडर कलर। इफ यू वांट टू एनहांस योर स्किन टोन, यू कैन स्टिक टू द लेवेंडर कलर फॉर योर स्पेशल ओकेशंस। इस सेटल एंड सिंपल कलर में आपका लुक बहुत ही स्वीट और सिंपल आता है। यदि आप डस्की ब्यूटी हैं तो डेफिनेटली लेवेंडर कलर को एक बार आप प्रेफर करिए, आप खुद देखेंगे कि यह आपके लुक को कितना ज्यादा एनहांस कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज गन मेटल ग्रे। ग्रे कलर एक ऐसा कलर है जो कि फॉर्मनेस की फीलिंग देता है और डस्की स्किन टोन पर किसी भी फेयर कलर की तुलना में ज़्यादा एडमायरेबल लगता है। गन मेटल ग्रे ब्लैक एंड ग्रे कलर का एक परफेक्ट मिक्सचर है और यह बहुत ही स्टनिंग लगता है, स्पेशली नाइट पार्टीज में इसका लुक बहुत ही गॉर्जियस आता है। गन मेटल ग्रे आप जरूर ट्राई कीजिए, इसे पहनकर आप बखूबी सुंदर लगेंगे। इट लुक्स वेरी स्टनिंग इन लेट पार्टीज। नेक्स्ट ऑप्शन इज फूसिया पिंक। यदि आप पिंक लवर हैं और अपनी वार्डरोब में पिंक ऐड करने में हिचकिचाते हैं ड्यू टू योर सांवला कलर, तो डेफिनेटली आप पिंक बिंदास पहनिए। पिंक का फूसिया शेड बहुत ही खूबसूरत लगता है सांवले रंग पर। फूसिया शेड ऑफ पिंक इज परफेक्ट फॉर डस्टी ब्यूटीज। इस कलर को अपने वार्डरोब में जरूर जरूर ऐड कीजिए। यह कलर सिर्फ ब्राइट ही नहीं बल्कि आपको बहुत ही गर्ली और खूबसूरत दिखाएगा एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि यह सांवले रंग पर बखूबी जचता है। बट आपको बेबी पिंक नहीं लेना है, आपको हॉट पिंक या फिर फूसिया पिंक की तरफ जाना है। फूसिया पिंक को आप कॉन्फिडेंटली वेयर कीजिए। आई कैन अश्योर यू कि पिंक कलर इज नेवर गोज आउट ऑफ फैशन। फूसिया पिंक कलर को आप ब्लूज या फिर ब्राउन्स के साथ क्लब करके बहुत ही रॉयल और एलिगेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज कोरल रेड। कोरल रेड एक ऐसा शेड है जो कि एफर्टलेसली डस्टी ब्यूटी को बहुत ही खूबसूरत बना देगा। रोज विल मेक यू लुक स्वीट एंड एडोरेबल। और इस कलर की खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए आप इसके साथ पर्ल का ज्वेलरी भी कैरी कर सकते हैं। कोरल रेड को अपने कलेक्शन में जरूर ऐड कीजिए और कोरल रेड को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ मिक्स मैच करके भी आप कुछ यूनिक कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑलिव ग्रीन। मेहंदी मुंगिया कलर सांवले रंग पर बहुत ही जचता है। इंडियन आउटफिट हो या फिर वेस्टर्न आउटफिट हो, आप बिंदास होकर ऑलिव ग्रीन कलर को अपने आउटफिट में ऐड कर सकते हैं। यह बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न ही लुक देगा। ऑलिव ग्रीन कलर के दो फायदे हैं, पहला कि आपकी स्किन को बहुत ही ग्लोइश दिखाएगा, दूसरा कि यह किसी भी ओकेशन पर स्टाइलिश और खूबसूरत ही लगता है, फिर चाहे वह आपकी नाइट पार्टी हो या फिर कैजुअल डे आउट। इसीलिए विटिस स्किन टोन वाले लोगों को हमेशा वार्म कलर्स का ही सिलेक्शन करना चाहिए। जो भी कलर हम पहनते हैं उसका हमारे लुक पर बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। जहां एक और रॉन्ग कलर सिलेक्शन हमें डल और वॉश आउट बना सकता है, वहीं प्रॉपर राइट कलर सिलेक्शन हमें बहुत ही फ्रेश, एनर्जेटिक और ब्यूटीफुल बना सकता है। डस्टी स्किन कलर के लोग भी सारे ब्राइट कलर्स पहन सकते हैं, केवल वाइब्रेंट और नियॉन कलर्स उन्हें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उन कलर्स में वाइटनेस ज़्यादा होती है। हर कलर का एक वार्म टोन होता है, उन्हें वह कलर वार्म कलर्स ही उन्हें सेलेक्ट करने चाहिए ताकि उनकी स्किन और भी ग्लोइश लगे। और अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो है आपका कॉन्फिडेंस। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि आप कॉन्फिडेंटली जब किसी भी चीज़ को कैरी करते हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी पर, आपकी खूबसूरती पर हमेशा चार चांद लगाता है। और ड्रेसिंग से कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात की है। हाउ टू लुक लाइक अ बॉस, इस वीडियो का नाम है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, आप उसे भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरे नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड रिसर्च के बेस पर मैंने आज सारे वो कलर शेड्स आपके साथ डिस्कस किए हैं जो डस्की स्किन टोन को बहुत ही ग्लोइश दिखा सकते हैं। उसके बावजूद यदि कोई कलर ऐसा रह गया हो जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हो या कोई सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिए। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो उनके लिए, जिनके लिए यह वीडियो बहुत ही काम आ सके। स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज। टिल देन स्टे हैप्पी एंड बी स्टाइलिश। बाय बाय।